जनपद में दिवाली पर्व को देखते हुए कचहरी क्लब मैदान सहित 400 स्थानों पर अस्थायी पटाखों की दुकान लगाई गई। इस दौरान लोग जमकर पटाखों की खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों से कोविड महामारी की वजह से सभी त्योहार फीके पड़ गए थे, लेकिन इस बार स्थिति सामान्य है, जिससे लोग बाजारों में निकलकर पटाखों सहित अन्य वस्तुओं की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा अस्थायी दुकानों के लाइसेंस को चेक किया गया तथा पटाखा व्यवसायी के सुरक्षा मानक को जांचा गया और लोगों को हिदायत दी गई कि वह अपने दुकान के सामने पानी से भरी बाल्टी, बालू व अग्निशमन यंत्र को रखें, जिससे कि आग लगने पर उससे निपटा जा सके। जिसके संबंध में पटाखा बेचने वाले दुकानदारों ने बताया कि इस बार मार्केट में छुरछुरी, अनार बम, रॉकेट, मुर्गा छाप, चकरी, चटाई बम, सुतली बम खूब बिक रहा है, जो कि लोगों को काफी पसंद आ रहा है और छोटे बच्चे अधिकतर छुरछुरी को खरीद रहे हैं। उन्होंने बताया कि बिक्री हो रही है और ग्राहक आ रहे हैं। पूरा उम्मीद है कि इस बार की दिवाली सबकी अच्छी रहेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पटाखा बेचने वाले दुकानदारों ने कहा, ये डब्बा आपका 700 रुपए है, 60 का है। इस कंपनी का नहीं, अरे बाबू कहाँ पर जाओ यार, अच्छा थोड़ा सा लीजिए, चलो जाओ बाबू। 150 वो अनार, 250 उसको पंपन नहीं पूरी थी वो अनार, वो 250 रुपये का है, वो 150 रुपये की है डब्बा। हाँ वो 150 की, अनार 250 का है। तुम बोल रहे हो ए ए क्या नाम वो लिखते हैं भैया? इसको पढ़ लीजिए और जो भी नियम है, इसको आप इंस्ट्रक्शन जो भी दिए उसको फॉलो करिए। अभी आपने हमें लग रहा है बाल्टी भी पानी का नहीं रखा भाई, क्या सर क्या है ये बाल कितना पटाखा है? 3 सेट होना चाहिए, आपने कपड़ा लगा के रखा नहीं। अब आप ये बताइए ठीक है क्या ऊपर है 20 क्या नाम है आपका? ले आओ चाहे तो मत ले आओ, हम जाना नहीं है, फोटो कॉपी नहीं रखते हो? क्या नाम है आपका? संसाधन बता दें, इसकी एक फोटो कॉपी करा के हमको दीजिए, मोबाइल नंबर बताइए अपना। कम से कम इस पे आपको 3 सेट डालना चाहिए, निशान नहीं। पर्दा आप लगा लिए हो, पर्दा लगाने पे आग जनी की घटनाएं सबसे ज्यादा होती है, थोड़ा सा भी पकड़ेगा तो पूरा जल जाएगा। कम से कम जो आपको लाइसेंस मिला है उसको एक बार पढ़िए तो सही, सारे आदेश निर्देश उसमें मिला, फोटो कॉपी करा लेते हैं ना, फोटो कॉपी करा कर लेकर आइए या फिर उसको फोटो कॉपी करा लें, फोटो कॉपी मंगा लीजिए। अनार बम ये है, अनार ये है, सब 380 का है, गौरव कुमार गुप्ता, फुटकर पटाखा व्यवसायी, टाउन हॉल गोरखपुर। नहीं कुछ अलग नहीं है, सब पुराना ही आइटम है, ये रेट जो है 1.5 हो गया है। बाकी आप जान ही रहे हैं दुकान लगाने भी कितने खर्चे होते हैं, टेंट है, आदमियों का खर्चा है, आपके इस ग्राउंड का 4500 रुपये बस लिया जाता है, और आप साफ सफाई पे देख लीजिए कुछ नहीं है, हम लोग साफ ना कराएं तो कस्टमर खड़े होने लायक नहीं रहेंगे। बिक्री क्या स्थिति है?
बिक्री तो अभी आज दोपहर से सबका दुकान लगा है, धीमे धीमे शुरू हुआ है, अब आगे कल परसों में देखा जाए क्या स्थिति है। कस्टमर हाँ आ रहे हैं, अब चूँकि आने वाले दो दिन में बंद ही रहेगा तो जो घर जाने वाले लोग हैं छुट्टी लेके अपना पटाखा लेके लोग अपना घर निकल रहे हैं। कुछ नया नहीं है, सब पुराना ही है। बाकी जिन चीज़ों पे बैन लगा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग अपने आप बंद है, और जब मैन्युफैक्चरिंग बंद है तो हम लोगों के पास कुछ आना नहीं है। विवेक अग्रवाल, अग्रवाल फायरवर्क्स। इस बार दीपावली का त्यौहार बहुत ही खास रहेगा क्योंकि 3 साल बाद जो ये सीज़न आया है इस पे हर त्यौहार बहुत अच्छे से बीता है और उम्मीद है ऊपर वाले की कृपा से हमारा त्यौहार भी बहुत अच्छा बीतेगा। अभी तो रंगत नहीं है आज धनतेरस के दिन के बाद, लेकिन उम्मीद है शाम तक बहुत अच्छा मार्केट जाएगा हमारा। बिक्री क्या स्थिति है, कस्टमर आ रहे हैं? बिक्री तो है, सबको पता है शहर में बहुत पास इलाका है ये, और यहाँ कस्टमर आएंगे, निश्चित आएंगे और शाम को आएंगे। अभी तो भीड़ है, धूप भी है काफ़ी, इस वजह से कस्टमर नहीं है। नाम स्वतंत्र कुमार। हाँ, दीपावली में दुकान लगाई गई है, इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है दुकान लगाने के लिए। क्या प्रोसेस होता है? जो कि हमें कचहरी से लेना पड़ता है, सिटी मजिस्ट्रेट के परमिशन से मिलता है, उसके बाद अपना थाना और फायर ब्रिगेड के लोगों ने भी सहयोग करते हैं इसमें, उनके सहयोग से सब कुछ मिल जाता है, दिक्कत नहीं होती है। कस्टमर आ रहे हैं? हाँ, कोरोना काल था। हाँ, अगले साल तो दिक्कत बहुत हुआ था, पर इस बार ठीक है, अभी कस्टमर तो आ रहे हैं। बिक्री क्या है? बिक्री ठीक चल रहा है, अभी तो आज तो कमी है फिलहाल, कल परसों बिक्री देखा जाएगा। हमारा नाम पप्पू है। लगाए हैं पटाखे पर कोई रिस्पांस नहीं है मार्केट में, जैसे कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा है। देख रहे सन्नाटा मार्केट में बना हुआ है, और हम भी लोग अब दुकान लगा के परेशान हैं, माल सब पड़े हुए हैं और कस्टमर नहीं है। क्या हो जाए, कोई दिक्कत है? और बाकी दुकानों का तो कस्टमर हैं, थोड़े गेट के प्रॉब्लम आ गए हैं, कुछ गेट बंद हैं, इसलिए आना जाना थोड़ा गमन जो है कम हो गया है, इसलिए इधर आदमी नहीं आ जा पा रहे हैं। कस्टमर भी नहीं आ रहे हैं एकदम। क्या कुछ खास आया इस पटाखे आज बार? कुछ नहीं है सर, दो साल की बंदी के बाद जी इस बार कुछ खास पटाखे में नहीं, कोई खास तो आया नहीं है। हाँ, निराशा साथ आया है,